अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस बीच सीएम योगी ने राम मंदिर में लगी रकम को लेकर बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर निर्माण के लिए कहां से धनराशि आई है। राम मंदिर के लिए पैसा न केंद्र की सरकार ने दिया और न ही राज्य की सरकार ने, ये सारा का सारा पैसा राम भक्तों ने देश भर से दिया है और दुनिया भर से दिया है। अयोध्या आकर रामलला का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ मंदिर में चढ़ावा भी खूब आ रहा है। श्रद्धालु दिल खोल कर दान कर रहे हैं, यहाँ रोजाना 3 से 4 लाख रुपए दान आ रहा है। महीने की बात करें तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक पहुंच रही है ये रकम। ऑनलाइन दान की भी कोई गिनती नहीं की जा सकी है। माना जा रहा है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में लाखों भक्त पहुंचेंगे। वो वहां भगवान श्री राम का दर्शन करके पूजन करेंगे और अपनी श्रद्धा भाव से श्री राम मंदिर के लिए दान भी करेंगे। मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं की ओर से दान चढ़ावे का आंकड़ा 4 गुना तक बढ़ जाएगा। दानदाताओं की कमी नहीं है, लोग अपनी क्षमता से बढ़ चढ़ कर दान कर रहे हैं। लोग अनोखी चीजें भी बनवा कर ला रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि भगवान के लिए क्या कर दें। लोग जो कर रहे हैं हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको श्री राम मंदिर के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।